हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ खसखस का हलवा। ये खाने में बहुत टेस्टी और हेल्दी होता है। तो चलिए मैं आपको बताने जा रही हूँ खसखस का हलवा कैसे बनाते हैं। खसखस का हलवा बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे खसखस और खारी। खसखस को हम पोस्ता दाना भी बोलते हैं और खारी को छुहारा भी बोलते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे। तो हम खसखस को और खारी को दोनों को 4 से 5 घंटे के लिए पानी में डाल देंगे और उसके बाद हम इसको 4 से 5 घंटे के बाद हम इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। खारी को और खसखस को दोनों को अलग अलग हमें बारीक ग्राइंड करना है, अच्छे से पीस लेंगे। उसके बाद हम चलिए आगे का प्रोसेस बताते हैं क्या करना है। तो हम यहाँ लेंगे इंग्रेडिएंट और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा हलवा बनाना। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे घी, 4 बड़े चम्मच घी लेंगे और तो पैन गरम हो गया है, इसमें हम डालेंगे 4 बड़े चम्मच घी। घी डालने के बाद हम अच्छे तरीके से घी को गर्म होने देंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें अपना खसखस जो हमने ग्राइंड करके रखा हुआ है, इसका पेस्ट हम इसमें डालेंगे। ये देखिए कितना स्मूथ पेस्ट है। इस पेस्ट को हम घी में डालेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। हमने घी में पेस्ट को अच्छे तरीके से डाल दिया है, अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। देखिए हमारा मिक्सचर कितना अच्छा दिख रहा है और कलर कितना प्यारा आया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसको हम 5 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे मीडियम फ्लेम पर। वो 5 मिनट के बाद देखिए ये कैसा कलर चेंज हो गया है। अब 5 मिनट के बाद, कलर चेंज होने के बाद, हम इसमें अपना खारीक का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे जो हमने पहले से ही पीस के रखा हुआ है। तो चलिए ये देखिए, ये हमने खारीक पीस के रखा हुआ है, ये भी कितना अच्छा पिसा हुआ है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे खारीक को। तो खारीक को ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से हम इसको फिर से 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसको भूनेंगे और डार्क ब्राउन होने तक हम इसको मीडियम फ्लेम पर भूनते रहेंगे। हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए हम फिर से मीडियम। सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स ये है कि हमें कंटिन्यू 10 से 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसको चलाते रहना है ताकि ये चिपके नहीं और घी आसानी से छोड़ सके। 10 से 15 मिनट के बाद घी हमें दिखने लगेगा, कढ़ाई में घी छोड़ने लगा है। तो इसको हम अच्छे से भूनते रहेंगे कंटिन्यू और 10 से 15 मिनट के बाद हम इसमें शक्कर ऐड कर देंगे। शक्कर को अच्छे तरीके से, इसमें हम 100 ग्राम शक्कर हमने ऐड किया है क्योंकि हमारा खसखस 150 ग्राम था और 50 ग्राम हमने इसमें खारीक ऐड किया है। तो 150 ग्राम और उसके बाद हम इसमें 1 कटोरी पानी ऐड करेंगे और उसके बाद पानी ऐड करने के बाद 5 मिनट हम फिर से इसको अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। पानी पूरा नहीं सुखाना है पर इसको अच्छे तरीके से भून के लेना है ताकि हमारा कलर अच्छा आए और पानी भी बहुत सारा ना रहे इसमें। और लास्ट में हम देखेंगे कढ़ाई की साइड में घी छोड़ रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा हलवा बहुत अच्छे तरीके से बन चुका है। अब हम इसमें अपना ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। आप कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं जो खाने में आपको अच्छा लगता हो, कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से 2 से 4 मिनट और भूनेंगे और देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है हमारे हलवे में और हमारा हलवा अब रेडी है खाने के लिए। और हमारा हलवा बहुत टेस्टी दिख रहा है और ये जैसा दिख रहा है वैसा ही खाने में भी है। अब हम इसको गार्निश करेंगे। आप किसी भी ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर सकते हैं। ये हलवा बहुत टेस्टी होता है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।